इवनिंग. जो ये हमारे पास केस आया हुआ है दीपक कुमार जी, 26 इयर्स एज है और इम्यून मीडिएटेड एटेक्सिया का केस है. इसमें जो भी प्रॉब्लम शुरू हुई ये 27/7 मतलब आज से तकरीबन 4 महीने पहले. हाँ. है ना, लगभग 4-5 महीने पहले प्रॉब्लम शुरू हुई और पेशेंट को एम्स न्यू दिल्ली से भाटिया जी जो न्यूरो फिजिशियन है उन्होंने जो डायग्नोसिस बनाई इम्यून मीडिएटेड एटेक्सिया, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज एलोपैथी में ठीक नहीं हो रही है. लगभग हजारों में केसेस हैं जो हमारे पास आए और 100% उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला. पेशेंट को जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, इम्बेलेंस वाइल वॉकिंग, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन पेशेंट ऐसा लगता है कि जैसे कि एक पेशेंट जब नशे में रहता है तो कैसे चलता है, थोड़ा बहुत वैसा फील होता है, शराबी जैसे इंसान चलता है वैसा सिम्टम आ रहे हैं सर. और इसमें इनकोऑर्डिनेशन इन हैंड, हैंड का इनकोऑर्डिनेशन है, चेंज इन द स्पीच, थोड़ा स्पीच में भी कॉन्फिडेंस लूज है जी, जो एकदम डिबेट कर रहते हैं. कैसा लगता है, लंबे शब्द जो होते हैं उस समय बोल नहीं पाता हूँ, लंबे शब्द बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. और 27/7 से पहले पेशेंट बिल्कुल ठीक था, एम्स में गया, एम्स के कुछ दवाइयां चली जो कि उस पर कुछ इफेक्ट्स मिले नहीं और अभी इन्होंने उसको छोड़ दिया. धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ था, मगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, मगर 100% ये चाह रहे थे कि सर जो भी सिम्टम्स हैं वो कवर हों. अभी जैसे मैं बात करूं कि सिम्टम्स की लोकोमोटर प्रॉब्लम आ रही है, गेट प्रॉब्लम आ रही है जिसको बोलते हैं, स्पीच प्रॉब्लम आ रही है, ट्रेवलिंग प्रॉब्लम आ रही है. कब पकड़ते थे तो कब पकड़ने में, कब पकड़ने में दिक्कत होती थी, अब पकड़ लेता हूं लेकिन अभी भी थोड़ा लगता है कि यस नहीं पकड़ पाता. इसमें बहुत सारे सिम्टम्स, राइटिंग में वॉर्सनिंग इन ऑफ हैंड राइटिंग सच दैट इट कैन बिकम इररेगुलर विद स्मॉल एंड लार्ज साइज ऑफ लेटर विद लैक ऑफ प्रेसिशन सिंस फाइंड डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग लॉन्ग वर्ड्स है ना एंड हॉल्ट साइड स्पीकिंग. अगर बहुत लंबा शब्द बोलना हो तो बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है. करेक्ट. ये सिम्टम आ रहा है और 2 साल से इनको होलो क्रैनियल हेडेक टाइप का है और बोल सकते हैं कि 1-2 घंटे तक बना रहता है. करेक्ट. हाँ. और आप कुछ बता रहे थे कि हेडेक के साथ फोनोफोबिया भी है. हाँ, फोनोफोबिया मतलब जैसे ये एक रेयर प्रॉब्लम होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है 4-5 बार पर मंथ में, जैसे इरिटेशन आने लगता है साउंड से प्रॉब्लम, ज्यादा शोर शराबे से प्रॉब्लम, फोन पे कोई बात कर रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम बनी रहती है. डबल विजन कभी कभार होता है, गिडीनेस होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं कभी कभार, वॉमिटिंग सेंसेशन, गिडीनेस, चक्कर टाइप का, अब नहीं हो रहे हैं. अच्छा, पहले जैसे हो रहे थे ना. ये सभी ऑक्सीपिटल हेडेक, मतलब ये पैराइटल, ये फ्रंटल एरिया होता है, ये ऑक्सीपिटल एरिया, इस एरिया में भी हेडेक टाइप के पेशेंट को महसूस हो रहा है. अगर बोले कि प्रेजेंटेशन के समय और वॉक करके दिखाया था सीजर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में भी कोई हिस्ट्री नहीं है, पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए ये इम्यून बोल सकते हैं कि इसको है जो डायग्नोसिस बनाई इम्यून मीडिएटेड एटेक्सिया. मैंने जो भी मेडिसिन दिया सभी जर्मनी मोड में दिया है, डॉक्टर रेक्वेक की आर नंबर मेडिसिन दी है, 10 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे. बहुत सारे मेरे फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है, जैसे कि इन्होंने बोला चाल में प्रॉब्लम आ रही है तो लेथाइरस एक 0/3 पोटेंसी से स्टार्ट करा है जर्मन मेडिसिन में, और साथ में जेल्सिमियम दिया है, बहुत सारे अच्छे मेडिसिन में कॉस्टिकम आ जाती है. अगर मैं बात करूं कि एफिशिएंसी जैसे आपकी बढ़ जाए, एक बोलते हैं ना वाइटल फोर्स डैमेज हो जाता है या ब्रेन पावर या फिजिकल पावर, तो मैंने जिंकमेट उसके लिए दिया, साथ में विटामिन डी प्लस जो मेरा चॉइस रहता है हमेशा, सिरप फॉर्म में हमने 5-4 सिरप, साथ में बहुत सारे जीएच फॉर सिरप दिए हैं. कोशिश ये है कि आपका एक मेंटल और फिजिकल बैलेंस बना रहे, कोऑर्डिनेशन, बहुत स्टूडियस है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा एक ब्रेन पावर, ब्रेन मेमोरी पावर भी शार्प हो जाएगी धीरे धीरे, देखेंगे. अभी इसमें ब्लैडर प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी, गुड एपेटाइट है, सब चीजें अच्छी है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है. अगर देखें तो लास्टली हमने कुछ नोसोल्ट दिया मेडोरिनम, तो वो अच्छा काम कर जाते हैं जी. तो इसमें क्या आपको जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं आएगी भविष्य में, ठीक है. और कुछ बताना चाहेंगे, खाने में नमक ज्यादा अच्छा लगता है, मीठा, सब नमकीन, नमकीन चीज, नमकीन चीज ज्यादा पसंद है, और पानी का स्वाद ठंडा कि गर्म क्या पसंद है, नॉर्मल पानी अच्छा लगता है. तो अभी एलोपैथिक में जैसे न्यूरो फिजिशियंस ने साफ कहा है कि एटेक्सिया किसी भी टाइप का हो उसमें कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, तो कोशिश ये रहती है कि हम मॉडर्न होम्योपैथिक में इसको क्योर करें. रिसर्च में बहुत लोगों को इसमें मालूम चलता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटेक्सिया होते हैं, फैट्रिक एटेक्सिया, है ना. तो अगली बार जब भी हम आपको कोर्स देंगे उसमें अभी कितना इम्प्रूवमेंट आएगा 45 डेज के अंदर आप बताएंगे. 3 मंथ्स का कोर्स रहता है, फर्स्ट कोर्स सेफ रहता है, बहुत सारे लोग पेंडिंग में हैं, मगर आपने रिक्वेस्ट करी इसलिए आपको बुलाया गया है, ठीक है, है ना. और कुछ मेरे ख्याल से नींद वगैरह पहले ज्यादा आती थी आपको, स्लीपीनेस था, अभी नॉर्मल है, नींद अभी नॉर्मल है ना, 8-9 घंटे अच्छा साउंड स्लीप आप ले पाते हैं, है ना. कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा तो वो कवर हो जाएगा मेडिसिन, ठीक है. थैंक यू. ओके, टेक केयर.